हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बोर्ड का एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आ गया है। पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? मेहनत से पढ़िए और मैं कामना करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। ठीक है, तो आज हम लोग एक फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं। आज हम लोग लेंस फॉर्मूला को समझेंगे और उसको सिद्ध करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न में आएगा उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v - 1/u = 1/f, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस सूत्र प्राप्त करें या लेंस सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये तीनों प्रश्न एक ही हुए और तीनों इसी तरह से हल होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस है ये, इसका ऑप्टिकल सेंटर है यानी प्रकाशीय केंद्र है O, ठीक है, और ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है, ठीक। ये समझ में आया? ये उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र O, ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 हो गया, ये 2F1, इधर F2, इधर 2F2, ठीक है। अब क्या करना है कि मान लेते हैं 2F1 से परे एक वस्तु हम ले लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं AB। क्या नाम दे देते हैं? AB, अपनी आसानी के लिए AB नाम देते हैं, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब हम प्राप्त करेंगे। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख खींचने के 3 रूल्स हैं, उसमें कोई भी 2 रूल्स हम ले सकते हैं। पहला रूल है कि मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब लेंस से होकर जाएगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, यानी F से होकर गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी किरण हम ले लेते हैं O से होकर जाती हुई, जो सीधे बिल्कुल निकल जाती है, इसमें कोई टर्निंग नहीं होता है। जो O से लेंगे वो सीधे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों यहाँ मीट कर रहा है, टकरा रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। इसका नाम हम दे देते हैं A'B'। यहाँ तक क्लियर है? अब इन सब बातों को हम लिख लेंगे। माना कि लेंस का नाम दे देते हैं, माना कि MN एक उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसके प्रधान, गांव वाला प्रधान ना, मुखिया जी ना हो, मुखिया जी वाला प्रधान न है, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल फोकस, पर 2F1 से परे एक वस्तु AB रखी जाती है, चाहे रखी है अब देखिए क्या हुआ है। इस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें
F2 और 2F2 के बीच प्राप्त हुआ है, तो हम लिखेंगे जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का नाम a'b' है, a'b' लेंस के दूसरी ओर f2 और 2f2 के बीच बनता है। यहां तक हम लोग समझ गए, इसको लिख भी लिए और देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि वस्तु दूरी, जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु दूरी, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो वस्तु की दूरी दर्पण में पी से नापी जाती है, मगर लेंस में ओ से, प्रत्येक दूरी जो है वो ओ से नापी जाती है। तो यहां वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु यहां रखा गया है देखिए, और ये ओ है, तो वस्तु की दूरी हो गई ओ से लेकर बी तक, यानी कि ओ बी, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी यानी इसको भी से डिनोट करते हैं, भी देखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी ओ से ही नापेंगे, ओ से लेकर बी डैश तक, ओ बी डैश, ठीक है। और फोकस दूरी, लेंस में दोनों ओर फोकस होता है, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका मुख्य फोकस इधर है, इसलिए इधर वाले को हम डिनोट कर देते हैं, तो ओ एफ टू, ओ से लेकर एफ टू तक, इसका फोकस हो गया ओ से लेकर एफ टू तक, ओ एफ टू। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब जो है एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ये जो यहां लेंस पे टकरा रहा है, इस बिंदु को डी मान लेते हैं और डीओ को मिला देते हैं, तो पहले से मिलाया हुआ है, अगर नहीं मिलाए अगर आप हैं तो इसको मिला लेंगे, यहां लिख देंगे डीओ को मिलाया, ठीक है। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे प्रूफ करने के लिए पहले समझना होगा इसमें त्रिभुजों को समरूप करना होगा, त्रिभुजों को समरूप करना होगा, किस त्रिभुज को किसके समरूप करेंगे पहले ये जानना जरूरी है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, सॉरी ये मिट गया है, यहां पर हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ, त्रिभुज बन रहा है, दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज इधर बन रहा है ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। पहले इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, तो त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ में समरूप करने के बहुत सारे नियम हैं, क्राइटेरिया है, एस 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 है, एस ए एस है, डबल ए भी है, तो यहाँ ज्यादातर डबल ए का ही इस्तेमाल किया जाता है, दो एंगल को बराबर करना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल में यहाँ बी पर 90 बन रहा है और यहाँ बी डैश पर 90 बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल बी डैश बराबर 90। और देखेंगे नाइन्थ क्लास में एक परमेय पढ़ाया गया है, शीर्षाभिमुख परमेय, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स, उसके बारे में समझ लें कि दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो इधर वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा, इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहां पर हम देखेंगे सेम वैसे ही
शीर्षाभिमुख कोण यहां बन रहा है दोनों साइड, एक इस साइड और एक उस साइड, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा क्योंकि ये नियम है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस एंगल का नाम हम डिनोट करेंगे एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल ए डैश ओ बी डैश, ठीक है। यहां पर दो एंगलवा जो है बराबर हो गया, तो दो एंगलवा जब बराबर हो गया तो त्रिभुज हर हाल में समरूप होगा, ये नियम है। ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, इसको इस नियम को, इस क्राइटेरिया को डबल ए कहते हैं। तो देखेंगे इसी बात को हम लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ बाई डबल ए। यहां तक समझ में आया, ठीक है। देखिए अभी हम लोग सिद्ध किए हैं, समरूप किए हैं त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। देखिएगा भैया इस पर का डैश वो न छूटे, नहीं तो इम्तहान में गैस बना देगा। नहीं, डैश नहीं छूटना चाहिए, ध्यान से नाम देखेंगे। अक्सर इस पर गलती होता है नाम लिखने में, जहाँ डैश है वहाँ डैश लोग मिस कर जाते हैं। फिगर को देख के समझ के अच्छे से, फिगर को देख के समझ के अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अब ये समरूप हो चुका है तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इसकी ये ए बी जो है, ए बी किसके समानुपाती होगा, देखिए संगत भुजा ए डैश बी डैश बराबर होगा, इसमें हम बी ओ ले लेते हैं, बी ओ इसमें क्या लेंगे सर बच्चों, क्या लेंगे बी डैश, बाबूजी का राज नहीं है, जो बुझाएगा सो नहीं ले सकता है, संगत लेना है, संगत ए बी ए डैश बी डैश बी ओ बी डैश ओ, ठीक है। अब ये इसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। इसके बाद देखेंगे अब एक और त्रिभुज को समरूप करेंगे, लेकिन उसको समरूप नहीं करेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है इधर डी ओ एफ टू त्रिभुज बन रहा है, समरूप होगा, एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश एफ टू, ठीक है, बाय डबल ए, ठीक है, समरूप हो गया। इसमें से भी हम संगत भुजा लेंगे, इसमें डी ओ लेंगे तो इसमें ए डैश बी डैश बराबर, फिर इसमें ओ एफ टू लेंगे तो इसमें लेंगे बी डैश एफ टू, ठीक है। संगत भुजाएं ले लिए, यहां पर हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये आपका इसको इक्वेशन टू नहीं मानेंगे। अब देखेंगे फिगर पर ध्यान देंगे, दो समांतर रेखाएं, एडी समांतर रेखा है, इसके समांतर है बीओ के समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच जितना भी लंब होगा, जितनी भी दूरी होगी, वो हर हाल में आपस में बराबर होगी। तो इस आधार पर डीओ जो है वो एबी के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो हम डीओ के स्थान पर एबी भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है? 5 रुपया का कलम खरीद लिए और उसको फेर के 5 रुपया का दूसरा सामान नहीं ले सकते हैं, 7 रुपये का लेंगे तब ना दुकानदार वह खिसी आ जाएगा, है? 5 रुपये का सामान फेर रहे हैं, 5 रुपये का ले सकते हैं कि नहीं, जब वैल्यू इक्वल है तो हम अदला बदली कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह यहाँ जो है डी ओ और ए बी आपस में बराबर है,
इसलिए डीओ हम फेर दिए जो भाई हमरना चाहिए। अब फेर के का ले लिए भाई, ए बी ले लिए, बट्टा के नीचे ए डैश बी डैश। तो देखेंगे अभी डीओ के स्थान पर हम ए बी लिख देते हैं, ए डैश बी डैश है और बराबर ओ एफ टू जो है वैसे ही उतार देना है, बट्टा बी डैश एफ टू यहाँ लिख देंगे। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, टू हो गया, यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए बी बराबर होगा किसके, डी ओ के। ठीक है, अब देखेंगे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों पर देखेंगे। इसका जो बायां वाला जो आइटम है, बायां वाला पक्ष है ए बी बटा ए डैश बी डैश, और इसका भी बायां पक्ष वही है ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो जब बायां वाला के बराबर होगा तो दायां वाला भी दायां वाले के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए एक और दो से इसका दायां बीओ बटा बी डैश ओ, बीओ बटा बी डैश ओ। देखिएगा भैया डैशवा नहीं छूटे, डैशवा छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बराबर इसका दायां ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू। ठीक है, चिन्ह परिपाटी तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा सा समझ लिया जाए। चिन्ह परिपाटी ये कोनो बहुत बड़ा पार्टी नहीं है, चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस में जो है इसको मूल बिंदु माना जाता है ओ को, और सारी दूरियां जो हैं ओ से ही नापी जाती हैं। ओ के बाएं जितना भी चीजें होंगी वो सब ऋणात्मक होगा यानी माइनस में लिया जाएगा, और ओ के दाहिने जो भी होगा वो प्लस में होगा। तो उसका प्रयोग हम लोग करेंगे, लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर। तो चलिए बीओ देखेंगे, बीओ यहां पर हम बी से लेकर ओ तक ये क्या है, वस्तु की दूरी है, पहले भी लिखे हुए हैं तो इसके जगह पर हम यू लिखेंगे, और ये बाएं है देखिए ओ के बाएं है तो यू नहीं लिखेंगे बल्कि माइनस यू लिखेंगे। बी डैश ओ, बी डैश से लेकर ओ तक ये प्रतिबिंब है, और बी डैश से लेकर ओ तक ये प्रतिबिंब दूरी हो गया, ये दाहिने पड़ रहा है दाएं पड़ रहा है तो इसलिए इसको प्लस में लिखेंगे, भी हो गया। बराबर ओ एफ टू, ओ से लेकर एफ टू तक ये फोकस दूरी है और ये भी दाएं पड़ रहा है इसलिए इसको भी प्लस में लिखेंगे, बट बी डैश एफ टू यहां पर थोड़ा सा तेल बेल करना पड़ेगा। अब तेल बेल ढकेल का करना पड़ेगा, देखिए बी डैश एफ टू है, बी डैश से लेकर एफ टू तक ऐसा इसमें उपाय किया जाए कि यू अब भी आ जाए, समझे, बी डैश एफ टू जो है कोई मान नहीं है, ऐसा इसका उपाय करेंगे इसमें यू या भी आ जाए या एफ आ जाए। तो बी डैश एफ टू के स्थान पर हम लिख सकते हैं ओ से लेकर बी डैश ओ बी डैश पूरा में से का किए कि ओ एफ टू निकाल दिए, क्या निकाल दिए, ओ एफ टू कि ओ बी डैशवा में से ओ एफ टू निकाल देंगे तो क्या बचेगा, है बी डैश एफ टू नहीं बचेगा, तो बी डैश एफ टू लिखिए चाहे ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू लिखिए बतिया बराबर हुआ। तो अब माइनस यू बटा भी बराबर एफ बटा चलिए ओ बी डैश, ओ बी डैश ये प्रतिबिंब की दूरी है दहिने है तो भी होगा माइनस ओ एफ टू, ओ से लेकर एफ टू तक ये फोकस दूरी है ये भी दाएं है तो ये प्लस में होगा, यानी कि डबल माइनस नहीं है, डबल माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे कि अंचाहे कंचाहे गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, समझे, माइनस यू से दोनों गोड़ा जो है ना, दो गोड़ लौक रहा है, एगो भी लौक रहा है एगो एफ लौक रहा है, अब एगो खिया दीजिए या एगो कुमार के भगा दीजिए, ऐसा थोड़े है, दोनों को दोनों से गुना करना पड़ेगा माइनस यू से भी में,
माइनस यू भी, और फिर माइनस यू में माइनस एफ से, पहले माइनसवा का गुना होगा, माइनसवा में माइनसवा से गुना किए प्लस हो गया, और यू में एफ से यू एफ हो गया। ठीक है, अब छोड़ छाड़ दें, नहीं बराबर देंगे, अब फिर ऐसे गुना करेंगे भी में कितना से एफ से, तो भी एफ आपका करेंगे भाई यू भी एफ से, सब जितना नाती आया है ना सब को यू भी एफ से काटेंगे बढ़िया से। तो पहले का आइटम जो है माइनस यू भी है, इसके नीचे डालेंगे यू भी एफ, भाग कर रहे हैं बाटा कर रहे हैं, प्लस यू एफ है इसके नीचे भी डालेंगे यू भी एफ बराबर, इसको छोड़ देंगे इसको भी काटेंगे बटा यू भी एफ, देखिए काट दिए यू भी गया एक बचा, यू से यू गया एफ से एफ गया, कुछ नहीं बचा तो वन बचा, भी एफ गया कुछ नहीं बचा तो वन बचा, तो यहां आपका प्राप्त हो गया माइनस वन बटा एफ प्लस वन बटा भी बराबर वन बटा यू। यहां तक समझ में आ रही है बात? अब क्या करते हैं, ये देखिए ये जो माइनस वा है ना ये बहुत डिस्टर्ब करता है, इसी को उधर लेके चले जाएंगे ताकि प्लस हो जाए। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा वन बटा भी बचेगा, आ इसको इधर ले आइए पुल्हा के लाइए चाहे जो जबरदस्ती लाइए, लाइएगा तो इसका प्लस जो है प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब जो है ये जो बचा है इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी वन बटा एफ हो जाएगा। तो प्रूव हो ही गया, इसके अलावा भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।